नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनमत बिरादार, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया और एक अलग सब्जेक्ट, अलग विषय हम लेकर आपके सामने आए हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है आज का, और वो विषय है फार्म मैकेनाइजेशन या कृषि यांत्रिकी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि कृषि यंत्र किराए पर देना। ये कैसा व्यवसाय है, या फिर इस फार्म मैकेनाइजेशन में आज क्या क्या चेंजेस होते जा रहे हैं, क्या क्या बदलाव इसमें आ रहे हैं, और जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए अवसर क्या क्या पैदा हो रहे हैं, अब आज इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। कृषि यांत्रिकी या CHC कस्टम हायरिंग सेंटर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कस्टम हायरिंग सेंटर या कृषि यंत्र किराए पर देना, इसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं, तो एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के सामने आ रही है। और ये कैसी अपॉर्चुनिटी, उसमें क्या हमको करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे। पहले भाग में हम इस करंट स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि भारतीय कृषि की अनुसार जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है, लोकल नीड्स है, उसकी क्या आज रिक्वायरमेंट्स है, क्या ज़रूरतें हैं, उसके अनुसार हमको वही यंत्र हमको कृषि में बनाना पड़ेगा, उसकी क्या स्टेटस है ये हम जानेंगे। और आखिर में इसका बिजनेस मॉडल क्या है, CHC यानी कस्टम हायरिंग सेंटर का जो बिजनेस मॉडल है, ये कौन सा बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो करंट स्टेटस क्या है, आज की परिस्थिति क्या है, आज भारत देश में फार्म मैकेनाइजेशन की तो परिस्थिति ऐसी है दोस्तों कि आज भी गांव में या किसान जब अपने खेत में काम करता है तो गांव में लेबर्स नहीं मिलते, मजदूर आज नहीं मिलते, और जो मिलते हैं बहुत ही वो रेट उसका ज़्यादा होता है। तो अभी ऐसा है कि हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम करना है हमारी खेती में, तो कम लेबर में वो काम करना पड़ेगा। तो आज फार्म मैकेनाइजेशन में की ज़रूरत आज हमारे हर लेवल पे है, तो इसीलिए। और हम जानते हैं कि लेबर टाइम पे भी नहीं मिलता, अगर हमको एक काम इसी वक्त करना है तो उस टाइम पे हमको लेबर शायद नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मशीनरी ये काम कर सकती है और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन भी हमको मिलता है, 20-30% प्रोडक्शन भी हमको ज़्यादा मिलता है। आज की अगर परिस्थिति देखें तो आज की ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का जो मार्केट है, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है आज, तो ये सबसे बड़ी बात आज सामने आ रही है भारत के बारे में। और दूसरा ये है कि मैकेंजी का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में ये मार्केट 16% हर साल बढ़ रहा है, और उसके अनुसार 8,44,000 करोड़ का जो पूरा मार्केट है आज, इतना बड़ा मार्केट आज भारत देश में ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फार्म मैकेनाइजेशन की फील्ड में है। हमारी खेत में जब हम ये मशीनें आते हैं तो उसमें हम ये 5 अलग अलग लेवल पे, 5 स्टेजेस पे उसका उपयोग करते हैं। 5 स्टेप्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म मशीनरीज, जो शुरू में आता है लैंड प्रिपरेशन, दूसरे बार सीडिंग एंड प्लांटिंग के लेवल पे आता है हमारे काम में, या इंटरकल्चर, तीसरा है इंटरकल्चर ऑपरेशंस में, और चौथा है उसमें प्लांट प्रोटेक्शन की स्टेज में आता है, बाद में ये पोस्ट हार्वेस्ट या फिर हार्वेस्टिंग स्टेज में ये हम काम में लाते हैं, और छठा जो है अभी वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग हम लाते हैं। विश्व में अगर हम देखें तो हमारी फार्म पावर अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे कम है। अभी जो हम चर्चा करेंगे, एशिया में जो कंट्रीज है, एशिया में जो देश है, उसके लेवल पे हमारी क्या परिस्थिति है, उसके बाद में थाईलैंड है, और उसके बाद में आखिर ये भारत आता है, और अपने भारत में सिर्फ 2 किलोवाट पर शेयर फार्म मैकेनाइजेशन इन वेरियस ऑपरेशंस, जो अलग अलग हम काम करते हैं खेती में, उसमें शेयर्स ऑफ ऑपरेशंस कितना है। देखिए अभी तक ना ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यूज करते हैं फार्म मशीनरी, वो हार्वेस्टिंग में करते हैं, और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग में 60-70% का मैकेनाइजेशन हो गया है, और बाकी के जो सीडिंग है, प्लांटिंग है, उसके बारे में इंटरकल्चर ऑपरेशंस है, ये सभी का अगर हमने सोचा तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 30-40% का मैकेनाइजेशन हो गया है। तो कृषि यांत्रिकी को बढ़ावा देने के लिए या फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने बहुत सारी कोशिशें चालू की है। तो उसमें एक है कि SMAM सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एक स्कीम है जो सब्सिडी देती है बहुत सारे फार्मर्स को, किसान भाइयों को, तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, तो उसके तहत बहुत सारी सब्सिडीज इन जो मशीनें हैं इस पर दिए जाती है।
2000 करोड़ का फंड अलॉटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, तो उसके तहत बहुत सारी स्कीम्स आज ये फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोशन करने के लिए चल रही है। अभी हम जो दूसरा पार्ट है उसके ओर हम जाएंगे। दूसरा पार्ट ये है इसमें कि आज हम सोचेंगे कि ये जो सिचुएशन है भारतीय कृषि की, तो उसमें मैकेनाइजेशन जो है कि उसके अनुसार भारतीय कृषि के अनुसार जो लोकल उसके रिक्वायरमेंट्स है, जो ज़रूरतें हैं, जो लोकल लेवल की या ग्रामीण लेवल की हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। देखिए भारत में जो लैंड की परिस्थिति है, अपने जमीन की क्षेत्र की परिस्थिति, वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, तो उसके अनुसार हमको ये प्लानिंग करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जमीन अगर छोटी है तो उसमें बड़े औजार बड़े यंत्र उसमें काम नहीं आएंगे, बड़ी मशीनें काम नहीं आएंगी, तो छोटी छोटी जो ज़मीनें हैं उसके अनुसार हमको वो बनाना पड़ेगा। तो ये लेवल पे हमको काम करते वक्त कैसी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या नीति अपनानी चाहिए, तो उसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर या कृषि मशीन है वो आप किराए पे दे सकते हैं, भाड़े पे दे सकते हैं, या भाड़े पे हम ले भी सकते हैं। छोटे छोटे किसान इसको भाड़े पे हम ले सकते हैं, तो उसके अनुसार एक बहुत बड़ा अलग स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है। इसके हर गाँव में एक CHC यानी कस्टम हायरिंग सेंटर ये स्थापित होना चाहिए, ये शासन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। जो कस्टम हायरिंग सेंटर है हर गांव में एक या उससे भी ज़्यादा आप स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए उस गांव की ज़रूरत देख के, उस गांव के अलग अलग फसल का जो स्वरूप देख के, फसलें अलग अलग होती हैं, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत अलग भी होती है, तो उसके अनुसार आप अलग अलग उसमें जो मशीनें रख सकते हैं। हायरिंग सेंटर जब स्थापित करना है तो उसका आपको एक निवेदन देना पड़ेगा तालुका कृषि अधिकारी या तहसील के जो आप कृषि अधिकारी है उसमें आप जा सकते हैं, आपका निवेदन आवेदन वहाँ दे दें, और उसके बाद आपको उसके सब्सिडी मिलेगी। जो को देखो अगर 10 लाख का अगर आपको एप्लीकेशन आपने दिया है, 10 लाख का जो आपने कृषि सामान आपको खरीदना है, कृषि यंत्र आपको खरीदना है, तो उसके हिसाब से आपको 7.5 लाख रुपए का जो सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ जो कुछ आपका स्टेट है उससे। ये देखेंगे कि जो तीसरा पार्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बिजनेस मॉडल इसमें क्या है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर बिजनेस मॉडल ये क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये जो बिजनेस मॉडल है कस्टम हायरिंग सेंटर, ये हर गांव लेवल पे आप स्थापित कर सकते हैं इसे। तो ये बिजनेस मॉडल हर एक गांव का एंटरप्रेन्योर, हर गांव में एक बिजनेसमैन इसमें तैयार हो सकता है। आप इसमें 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको भी करना नहीं है। तो आपको 2 या 2.5 लाख तक अगर इन्वेस्ट किया तो आपको 10 लाख की मशीनरी शासन आपको अवेलेबल करके दे रहा है। ये कॉरपोरेट्स के लेवल पे आज इसको फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। बड़ी जो ट्रैक्टर कंपनी है या बड़ी हार्वेस्टर कंपनी है या बड़ी जो इम्प्लीमेंट्स फार्म इम्प्लीमेंट्स बनाती है जो कंपनीज, वो भी इसमें आ गई है। तो इवन GPS की जो यूज़ करके ये कंपनी आज काम कर रही है। तो इसको आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। एंड अगर प्लोइंग करना है, लैंड सोइंग करना है, तो आपने कितना किया इसका भी डेटा आपको प्राप्त हो सकता है। अगर शॉर्ट में हम सोचें तो आपको शहरों में ओला या उबर आप सबको मालूम है, ये टैक्सी सर्विसेज देते हैं, उसी तरीके से उसी मॉडल पे आधारित ये ट्रैक्टर या मशीनें आप भाड़े पे दे सकते हैं। ये पे हर गांव में जहां जिसको ज़रूरत है, हर किसान को जहां जिसकी ज़रूरत है हर मशीन की, वो अपने मोबाइल से आपको रिक्वायरमेंट देगा और आप वहां जाके सर्विस देंगे। तो ये प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स इसको पे पर यूज, जैसे ही आप उसका यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही आपको चार्ज करेंगे। जैसे कि 1 एकड़ है या 1 हेक्टर है या 2 हेक्टर है, उसके हिसाब से या आवरली बेसिस पे भी उसको हम यूए कर सकते हैं। और आपको इसके बारे में कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे कमेंट पे ज़रूर लिखिए, आपको हम इस सवाल का जवाब ज़रूर दें।